हेलो एवरीवन, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसे कि आज हमारे साथ जो है मुंबई से ओमकार भाई आए हुए हैं, और जो कि जैसे कि आप सब लोग प्यार करते हैं कि हमारे तबले का जो साउंड हम कोशिश करते हैं, सब आपकी ब्लेसिंग्स है, दुआएं हैं, प्यार है आप सब लोगों का कि हमें वो अच्छा काम करने की एक जो फीलिंग्स आती है कि यार हमें सबको ये अच्छा देना है। तो ओमकार भाई बॉम्बे से बिलोंग करते हैं, और एक्चुअली जो इन्होंने हमारा जो हाई प्रोफेशनल क्वालिटी के तबला है जिसमें प्रॉपरली हैंडमेड पाया होता है, जिसका मेटल भी हैंडमेड होता है। एक्चुअली क्या होता है कि लोग कई सारे लोग सोचते हैं कि मेटल शायद वो नहीं रखता है या वुड शायद, देखिए बिना वुड और बिना मेटल के, क्योंकि बेस अब जब तक अच्छा नहीं होगा, जब तक फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी, ना कोई बिल्डिंग उस पर रुक सकती है, क्योंकि फाउंडेशन ही मेन है। अगर आप सोचें कि बहुत ऊँची बिल्डिंग को आप ऐसी वैसी फाउंडेशन पे बना सकते हैं, तो इतनी बड़ी बड़े इंजीनियर्स बेचारे जो इतना सारा तजुर्बा लेने के बाद जो वर्क को कि कितने और कैसे काम होना चाहिए, वो सब चीज़ों का बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेटल बहुत ही ज़्यादा, जिसको काम नहीं आता, जिसने उस्ताद से नहीं सीखा, एक अच्छे करने वाले में और एक नॉर्मल करने वाले में बहुत फ़र्क होता है, एक प्रोफेशनल में एक अनप्रोफेशनल आदमी में। जैसे कि अब ये ओमकार भाई बताएंगे कि कैसा लगा आपको जो आपने एक्सेप्ट किया था, मतलब आपने वीडियोज़ ही देखी है कि एक्चुअली ये भी यूट्यूबर पे हमें फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, और इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि 1.5 साल से हमारी वीडियोस को लगातार देख रहे हैं। कहा कि आपके जो तबले का साउंड है वो आज आपके तबले का साउंड क्या था, क्योंकि आपने वीडियोस में सुना, आप ये तबले का साउंड क्या आप लोगों को बताएं। बहुत बहुत बढ़िया, मतलब कैसा रहता है कि जब भी तबला बजाते हैं वीडियो में जो रहता है थोड़ा साउंड में फर्क आता है, हल्का फुल्का है ना, फर्क आता है, लेकिन यहाँ पे आके सुना तो वीडियो में इतना अच्छा आ रहा था ना। कल मैंने मेरे माँ बाप को बताया, कल ही वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी इसकी। बिल्कुल, उन्होंने बजा के देखा तो उधर ही मेरे को पसंद आ गया था। एक्चुअली जो है देखिये, जो आपका जो एक सोच के आया थे कि आप मेरे को क्या क्वालिटी मिलेगी, अब यहाँ पे आने के बाद आपकी जो एक्सेप्ट, क्योंकि 25,000 रुपीज़ जब आप स्पेंड कर रहे हैं तबला पेयर में, तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि इतना, मतलब आपने पहले सस्ते वाले भी खरीदे, तो इसमें और इसमें फर्क तो आपको नजर आ रहा होगा। पहले वाला तो 4,000 का ही था सर। नहीं, लोग आजकल मतलब एक थिंकिंग भी बन गई है, देखिए जो साउंड है क्लासिकल म्यूजिकल इंडस्ट्री में, अगर साउंड तबले में नहीं है, चाहे वो बाया हो चाहे तबला हो, एक आर्टिस्ट का मूड ही नहीं बन सकता है, एक ऑडियंस का सुनने में अच्छा लग ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ बहुत ही मायने रखती है। सॉरी दोस्तों, शायद मुझसे आप ज़्यादा तजुर्बेकार होंगे, मैं शायद उतनी बातें नहीं जानता हूँ जितनी शायद आप लोग जानते होंगे। और एक्चुअली जहाँ मेरा एक्सपीरियंस हो, मेरे फादर का 60 ईयर्स का एक्सपीरियंस, क्योंकि उनसे ही मैंने इलम लिया है, मेरे फादर से जो 60 ईयर्स का इलम है, और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्डेड है, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला हुआ हमारे फादर को, और उनसे इलम हमारा सौभाग्य की बात है। और ये सब आपका प्यार है कि आपके प्यार ने हमें अच्छा काम करने के लिए प्रेरित किया कि आज कर रहे हैं। ओमकार भाई, अब थोड़ा सा साउंड लोगों को इसका तब लगा, क्योंकि पता लगे कैसा है। तो थोड़ा सा आपका जो भी हो, 2.5 साल से प्रैक्टिस नहीं है ओमकार भाई की, एक्चुअली इनके थोड़ा प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से इनको 2.5 साल के लिए अवॉइड करना पड़ा तबले को। अब इंशाल्लाह अल्लाह करे ये तरक्की करे बजाने में, और हमारे हिंदुस्तान का ऐसे ही यंगेस्ट नाम रोशन करे और क्लासिकल म्यूजिक को आगे बढ़ाए। जो भी क्या बात,
बड़ा मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं भाई, अब जैसे कि देखिए इस तबले को जो ओमकार भाई को दिया है, मतलब इतनी दूर बॉम्बे से आया है, सबसे बड़ी बात है कि बॉम्बे में भी बहुत अच्छे अच्छे बनाने वाले हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि देखिए अच्छे काम करने वाले जहाँ है उनकी रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए। और एक्चुअली क्या है कि जिसने जिसका जहाँ दिल लगे, जो कुछ कोई मतलब ऐसा होता है कोई थोड़ा अच्छा, कोई उससे अच्छा, कोई सबसे अच्छा, देखिए कोई भी पूरक नहीं है, सब में कुछ ना कुछ अल्लाह ने कमी रखी है और कोई भी मुकम्मल नहीं है, और हमें भी पूरी ज़िंदगी सीखना है। और ये आपका प्यार है कि हम और अच्छे से अच्छा सीखें और अच्छे से अच्छा करें, ताकि इन यंगेस्ट का और दिल खुश कर सके। अब इसका जो रेजोनेंस है आप तबले का सुनिए, बड़ा इजी टू प्ले है देखिए। और इसकी खासियत यह है कि सी, सी शार, डी और डी शार, चार स्केल में पर्टिकुलर आप बिना किसी मतलब थाप चार्ट अलग हुए आप इसका यूज़ कर सकते हो। और वो जो टोनल क्वालिटी है वो सी शार्प में भी बहुत बेहतरीन रहेगी। अभी इस वक्त डी के आसपास है, इवन ई तक भी चला जाए। देखिए आप, और ये वो एक्चुअली क्या होता है कि लोगों को मैं एक हर बार कुछ ना कुछ अपनी वीडियो में कुछ ऐसी बात बताता हूँ कि जिससे कि लोगों को सीखने। देखिए पतले लेदर की खाल में रेजोनेंस मिल सकती है, नो डाउट, पर बहुत पतला स्किन जब आप स्टेज पे बजाते हैं, फोकस की लाइट जब उस पर पड़ती है, तो आप बार बार डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार तबला आपका चढ़ने लगता है, तो आप उसे उतारने लगते हैं। जब आप एसी में बैठे होते हैं तो फिर आप उसको चढ़ाने लगते हैं, तो मतलब ये बहुत सारी प्रॉब्लम जो पतले लेदर की वजह से आती है। तो पतले लेदर के तबले आपको उस वक्त तो लगता है कि हाँ बड़े इशारे में बोल रहे हैं, पर स्टेज पे आप बार बार डिस्टर्ब होते हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। ये आपके लिए और सभी लोगों के लिए, कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट आप उनसे पूछें, उनसे बात कीजिए, क्योंकि जो एक मीडियम गेज का लेदर होता है उसमें जो साउंड क्वालिटी बनाना बहुत ही मुश्किल है, वरना रेजोनेंस चाहिए तो कलकत्ता के जैसे खुले तबले कहीं नहीं होते हैं। पर वो ये कि वो उसमें पतला लेदर, वो बच्चे की खाल होने की वजह से बार बार स्टेज पे डिस्टर्ब करता है, प्रॉब्लम्स आती है, तो वो वहाँ के वेदर के लिए बेस्ट है। पर यहाँ और जगह के आप जीरो टेम्परेचर में जाएंगे, कहीं ट्रेवल्स पर करते हैं, तो आपको वो तबले शायद, वो हमारे तबले की स्पेशलिटी है कि आप जीरो टेम्परेचर में भी जाए तबले का साउंड एज इट इज़ यही रहेगा, फोकस की लाइट में आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा तबला। ये सारी स्पेशलिटी है लेदर जो चॉइस करते हैं हम। तो अब दोस्तों जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक से आपकी ब्लेसिंग्स, आपका प्यार हमें बताता है कि आप कितना प्यार देते हैं, और हमें और अच्छे से अच्छे काम करने के लिए हमारा दिल करता है कि हाँ वही लोग चाहने वाले हैं, तो हमें और अच्छा काम करना चाहिए। और जो न्यू आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी बहुत आपके लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। बड़े दिनों बाद मैं वीडियो में आया हूँ, क्योंकि मेरे को इतना बिजी शेड्यूल है, मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सोच रहा हूँ, कुछ ऑफर्स के लिए भी सोच रहा हूँ, इंशाल्लाह कुछ करेंगे। आप सब लोगों के लिए भी जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे इजाज़त दीजिए। और ओमकार भाई बहुत खुश है, वो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग भी आए और आप लोग भी खुश हो, सभी के लिए मोस्ट वेलकम है शॉप पर। और मेरा नंबर जो है व्हाट्सअप +91 95 401 97 401। अब मुझे इजाज़त दीजिए, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।